हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और अब तक हम, जैसे आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों टेंसेस की। अब तक मैंने आपके पढ़ाए इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की बात की हमने, और हमने बात की दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की हमने, और हमने बात की अब तक पास्ट कंटिन्यूअस की, हमने बात की दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस की हमने बात की। दोस्तों आज का लेसन जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। और आज मैं आपसे बात करूँगा कुछ प्रोग्रेसिव वर्ब की। जी हाँ, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए आज मैं आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ, कुछ वर्ब्स होती हैं जो प्रोग्रेसिव वर्ब होती हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती हैं। मीन्स ये बताने से नहीं समझ पाएंगे आप, देख कर समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब मीन्स वो वर्ब्स जिनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता। अगर आईएनजी आएगा तो मीनिंग बदल जाएगी, मीनिंग चेंज हो जाएगी। जी हाँ, जनरली बहुत सारे लोग इसकी गलतियां करते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अहम होता है, खास करके उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि स्पोकन में तो चल जाता है, अक्सर लोग बोल देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स की, इंग्लिश की, एकेडमिक इंग्लिश की या कंपटीटिव इंग्लिश की, तो ये हमें समझना होता है कि वो कौन सी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होती हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इसको। कुछ वर्ब्स होती हैं, मैं सभी तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इतना समय नहीं होता, हालांकि मैं तो सभी बताऊंगा लेकिन अलग अलग वीडियोज में आपको बता दूंगा। कुछ वर्ब्स मैं आपको आज बताने के लिए जा रहा हूँ, जैसे स्मेल, सी, थिंक, हैव, टेस्ट, लाइक, लव, अपीयर, लुक, सीम, एटसेट्रा, और बहुत सारी होती हैं दोस्तों। अब मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले स्मेल की। जी हाँ, स्मेल मीन्स क्या होता है दोस्तों? स्मेल मीन्स होता है दोस्तों सूंघना। सूंघने को हम लोग स्मेल बोलते हैं, या खुशबू देना भी स्मेल होता है। आप इधर देखिएगा, वहां पर कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं। स्मेल का मतलब दोस्तों सूंघना भी होता है, और स्मेल का मतलब होता है खुशबू देना। एक सेंटेंस है, मुझे बताइए क्या सेंटेंस सही है। द रोज इज स्मेलिंग गुड मीन्स गुलाब खुशबू दे रहा है बहुत अच्छी। मीन्स द रोज इज स्मेलिंग गुड, क्या सेंटेंस सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। आपको ध्यान से देखना होगा कि रोज का काम है खुशबू देना, ना कि खुशबू सूंघना। तो जहां पर हम बात करेंगे रोज, यहां पर सब्जेक्ट है रोज, तो काम जारी नहीं हो सकता, वो तो हमेशा देता है, इसलिए ये गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस बनेगा द रोज स्मेल्स गुड। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, अगला वर्ड लेते हैं सी। सी मीन्स होता है दोस्तों देखना, या फिर सी मीन्स मिलना भी होता है। देखते हैं इसका सेंटेंस, आई एम सीइंग इट क्लियरली। आई एम सीइंग इट क्लियरली, क्या सही सेंटेंस है? आई एम सीइंग इट क्लियरली। आप सोच रहे हो यहां से तो सही सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई। लेकिन दोस्तों ये गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस बनेगा आई कैन सी इट क्लियरली, काम जारी नहीं, मुझे तो हमेशा दिखता है। आई कैन सी इट क्लियरली मीन्स इसमें आईएनजी नहीं आएगा। और देखते हैं कुछ सेंटेंस, आई एम सीइंग यू टुनाइट, सेंटेंस सही है गलत? ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। सीइंग, मैंने बताया ना, सी देखना भी होता है और सी मिलना भी होता है, तो यहां पर सेंटेंस जो बता रहा है आई एम सीइंग यू, यहां पर आईएनजी आया, यानी आज मैं आपसे मिल रहा हूं टुनाइट। ओके चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। हैव की बात करते हैं दोस्तों, हैव मीन्स, हैव की मीनिंग दोस्तों दो होती है, इसकी मीनिंग भी, जैसे एक मीनिंग तो होती है इसकी रखना, और दूसरी मीनिंग होती है इसकी खाना या पीना। इसका सेंटेंस देखते हैं, बताइएगा मुझे सेंटेंस सही है या गलत है। आई एम हैविंग अ वेरी बिग कार, आई एम हैविंग अ वेरी बिग कार मीन्स मेरे पास एक बड़ी कार है, आईएनजी आ रहा है इसमें दोस्तों, क्या सही सेंटेंस है? ये गलत सेंटेंस है।
इसमें आईएनजी नहीं आएगा, मतलब मीनिंग बदल जाएगी। सही सेंटेंस बनेगा आई हैव अ वेरी बिग कार, आई एम हैविंग डिनर एट द मोमेंट, यानी इस समय मैं डिनर कर रहा हूं। क्या ये सेंटेंस सही है? जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया ना कि हैव की दो मीनिंग होती है, एक मीनिंग तो होती है रखना। जब हम रखने की बात करेंगे, पजेशन की बात करेंगे, पजेसिव की बात करेंगे, उसमें आईएनजी नहीं आएगा। और जब हम खाने पीने की बात करेंगे, उसकी मीनिंग भी हैव होती है, उसमें आईएनजी आ सकता है। तो ये सेंटेंस यहां पर बिल्कुल सही है दोस्तों। टेस्ट, टेस्ट मीन्स दोस्तों टेस्ट के भी दो मीनिंग होती है, स्वाद लेना या स्वाद देना, मीन्स टेस्ट को बोलते हैं। सेंटेंस देखते हैं, चिकन इज टेस्टिंग गुड। बुरा मत मानिएगा जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, हालांकि मैं भी प्योर नॉन वेजिटेरियन हूं, लेकिन सेंटेंस बना रहा हूं क्योंकि जरूरी है। चिकन इज टेस्टिंग गुड, क्या सही सेंटेंस है? नो, दिस इज रॉन्ग। सही सेंटेंस बनेगा हमारा, चिकन टेस्ट गुड। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, आई एम टेस्टिंग चिकन, क्या ये गलत सेंटेंस है? जी नहीं, ये गलत सेंटेंस नहीं, बिल्कुल सही सेंटेंस है। आई एम टेस्टिंग चिकन, यानी मैं चिकन का स्वाद ले रहा हूं, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं, लुक सीन अपीयर। लुक मीन्स देखना भी होता है, लेकिन दोस्तों लुक मीन्स दिखना भी होता है, सीन मीन्स दिखना भी होता है, अपीयर मीन्स इसका मतलब दिखना भी होता है, प्रतीत होना, इन तीनों का मतलब होता है दोस्तों प्रतीत होना, मीन्स महसूस होना, ऐसा लगता है, बोलते हैं ना ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है। आइए सेंटेंस देखते हैं, इट सीम्स दैट इट मे रेन टुडे, क्या सही सेंटेंस है? ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि सीम में कभी भी आईएनजी नहीं आएगा, इसलिए सीम में यहां आया। ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि बारिश होगी आज। इट लुक्स दैट इट मे रेन टुडे, इसका भी वही मतलब है, सेम सेंटेंस, बिल्कुल सही सेंटेंस है। इट अपीयर्स दैट इट मे रेन टुडे, इसकी भी वही मीनिंग है, ऐसा प्रतीत होता है कि आज बारिश होगी। आई एम अपीयरिंग बीए, अब बताइए दोस्तों क्या सेंटेंस गलत है? ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अपीयरिंग में आईएनजी लगा, मैंने कहा ना अगर आईएनजी लगेगी तो मीनिंग बदल जाएगी। अपीयरिंग मीन्स प्राप्त करना भी होता है, मिस करना भी होता है, जैसे मैं बीए कर रहा हूँ, सो आई एम अपीयरिंग, आई एम परसुइंग बीए। आप चाहें तो इस सेंटेंस के कई तीन प्रकार हो सकते हैं, आई एम डूइंग बीए, आई एम अपीयरिंग बीए, या आई एम परसुइंग बीए। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्तों। बात करते हैं लव की, लव भी वही उसी कैटेगरी में आता है। जब हम बात करते हैं लव, ये लव एक वर्ड होता है लाइक या लव, जब हम बात करेंगे लाइक की या लव की, इसमें भी आईएनजी नहीं आएगा, आ सकता है लेकिन मीनिंग बदल जाएगी। जैसे आपको समझा देता हूं, मान लीजिए एक लेडी एक महिला है, वो अपने बच्चे को अपने गोद में खिला रही है, ले 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 मेरा बेटा, तो इस समय वो क्या कर रही है? शी इज लविंग हर चाइल्ड, यहां लग जाएगा। लेकिन आप किसी को नहीं बोल सकते आई एम लविंग यू। बहुत कॉमन एक डायलॉग है, अक्सर लोग बोलते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपनी बीवी से, बहन भाइयों के बीच में आई लव यू, कोई भी ये नहीं कहता आई एम लविंग यू। क्यों? क्योंकि मीनिंग बदल जाती है। तो यहाँ पर हम नहीं बोल सकते, मान लीजिए आपके फादर जब आप ऑफिस से घर आते हैं तो ऐसा नहीं आप देखते अरे अरे मेरे पापा घर आ गए, अरे पापा, आप उनको गोद में नहीं उठाते, आईएनजी नहीं आएगा, सिंपल बोलेंगे आई लव यू पापा। ओके, आपने एक ऐड देखा होगा मैकडी पर, वो बर्गर खा रहा था तो बोलता है आई एम लविंग इट, क्योंकि वो पहली बार खा रहा है इसलिए उसमें आईएनजी आ गया। कोई भी चीज जिसमें आपको बहुत मजा आ रहा है, सिर्फ पहली बार के लिए बोलेंगे आई एम लविंग इट, लेकिन आगे के लिए आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। ऐसे ही एक वर्ड लाइक भी होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी आपका प्यार होगा मुझे कबूल होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी मैं आपकी सेवा में, आपकी जितने भी डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर करता रहूँगा। दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिन जिनके एग्जाम चल रहे हैं सभी को मैं फिर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तैयारी कीजिए, मेरे वीडियो को गांव गांव गली गली घर घर शहर शहर पहुँचा दीजिए। तब तक के लिए
बाय बाय, मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में, बाय बाय।